नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत और जापान की संयुक्त चिंता का नाम है चीन। हिंद महासागर हो या बंगाल की खाड़ी, सामरिक रूप से अहम इन मोर्चों पर चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अब भारत और जापान चीन की दादागिरी से निपटने के लिए बंगाल की खाड़ी में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। भारत और जापान द्विपक्षीय जाइमैक्स यानी के जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के घातक युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान गरज रहे हैं और अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ बहुपक्षीय ककाडू में हिस्सा लेने के लिए भारतीय युद्धपोत और गश्ती एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। इन्हें देखकर चीन चिढ़ेगा, कुढ़ेगा, उसकी छाती पर सांप भी लौट रहे होंगे, लेकिन भारत और जापान के कदम रुकने वाले नहीं हैं। अभी पिछले हफ्ते ही भारत और जापान ने 2+2 डायलॉग के बाद संयुक्त बयान में विस्तारवादी आक्रामक चीन के लिए बेहद सख्त भाषा में संदेश दिए थे। ये दोनों युद्धाभ्यास इस बात की गवाही देते हैं कि भारत और अन्य दो क्वाड देशों जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक रिश्ते कितने गहरे हुए हैं। इस चौकड़ी के चौथे देश अमेरिका के साथ भी भारत हर साल युद्धाभ्यास करता है। जाइमैक्स के इस छठे संस्करण में जापान ने अपने हेलीकॉप्टर करियर इजूमो और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ताकानामी को तैनात किया है। वहीं भारत ने अपने मल्टीपर्पज स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री, एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस कदमत और आईएनएस कवरत्ती को उतारा हुआ है। इनके अलावा भारत की तरफ से MiG-29 के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति और गश्त करने वाले लंबी दूरी के एयरक्राफ्ट भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सतपुड़ा और लंबी दूरी का समुद्री कश्ती एयरक्राफ्ट डॉर्विन भी है, जहां वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ 2 हफ्तों तक चलने वाले बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास ककाडू में हिस्सा लेंगे। भारत और जापान की आर्मी पहले से ही नियमित तौर पर गार्जियन एक्सरसाइज करती रही है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच भी जाइमैक्स युद्धाभ्यास होता रहता है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इसके अलावा जापानी नेवी ने इस साल मार्च में विशाखापट्टनम में हुए बहुराष्ट्रीय मिलन नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। जापान पहले से ही भारत अमेरिका के बीच मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास का हिस्सा है। 2015 में वो इसमें शामिल हुआ। अब तो ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा बन चुका है। इस सब के बीच अब दोनों देशों की एयरफोर्स भी जल्द ही एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी। इसकी सहमति पिछले हफ्ते टोक्यो में हुई भारत जापान की 2+2 बातचीत में बन चुकी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक हरकतों पर क्वाड में शामिल चौकड़ी भी पैनी नजर रखे हुए है और संदेश बिल्कुल साफ है कि चीन अगर किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो करारा जवाब तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भारत और जापान के संयुक्त युद्धाभ्यास को आप कितना ज़रूरी समझते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।